धन्यवाद करते हैं। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर एक मजबूत साथ लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर आगामी लोकतंत्र के महापर्व में जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी, उसके लिए दिल्ली प्रदेश के मंत्री, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जैन जी, मेरे राज्यसभा में सहयोगी सुशील गुप्ता जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी और प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हम आज सब आपके बीच में नवरात्रों में खुशखबरी लेकर आए हैं कि दोनों पार्टियां जैसे जींद के अंदर एक होकर आगे बढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर एक कमजोरी लाने का प्रयास कर रही है, उनके विरुद्ध में आगामी चुनाव में भी एक होकर आगे बढ़ने का काम करेगी। ऑफिशियली कंप्लीट चर्चाओं के बाद इसी निष्कर्ष पर हम आगे बढ़े हैं। जैसे अरविंद जी ने दिल्ली के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और बदलाव की एक लड़ाई को लड़ते हुए परिवर्तन लाने का काम किया है, हरियाणा प्रदेश में भी एक और एक जुड़कर 11 बनकर भविष्य के अंदर बदलाव लाने का काम करें। और एक यही निर्णय आया है कि मिलकर हरियाणा प्रदेश की तमाम सीटों पर मिलकर हम मजबूती से आगे बढ़कर गठबंधन कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही और कांग्रेस ने जिस तरीके से 10 साल के राज में इस देश को लूटने का काम किया, आज इन दोनों को सत्ता से दूर करने के लिए और एक परिवर्तन लाकर, जैसे इतिहास में जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी एक होकर एक बदलाव 98 में लेकर आए थे इन राष्ट्रीय पार्टियों के विरुद्ध, हम भी मिलकर इस प्रकार का बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर लाने का काम करेंगे। मैं तो धन्यवाद करूंगा अरविंद जी का, उनकी पूरी टीम का और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जो हमारे संगठन के संरक्षक हैं, कि मजबूत बातचीत के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मिलकर हरियाणा प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ कांग्रेस और बीजेपी को इस प्रदेश से बाहर करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे लोग भेजेंगे जो फिर हरियाणा प्रदेश की आवाज़ को मजबूती से उठाएं और हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूत परिवर्तन लेकर आने का काम करें। मैं चाहूँगा गोपाल राय जी भी अपना व्यक्तित्व रखें और उसके साथ साथ फिर आगे जो भी अलायंस के ऊपर बातें हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करें। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले एक साल से हरियाणा में बदलाव के लिए स्कूल अस्पताल रैली के माध्यम से अपने अभियान को मजबूती से चला रही थी। उसी पूरे अभियान के दौरान हरियाणा के अंदर जेजेपी का जन्म हुआ, जिसने दिल्ली की तरह हरियाणा में भी बदलाव के लक्ष्य को सामने रख करके खास तौर से हरियाणा के युवाओं का आह्वान किया
कि अगर दिल्ली बदल सकती है तो हरियाणा भी बदल सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जींद का उपचुनाव घोषित हुआ। जींद के उपचुनाव में जेजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और जेजेपी को सहयोग करेगी उस चुनाव में। और हमने देखा कि आत्ममुग्धता की शिकार कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े सिपहसालार को जींद के चुनाव में उतारा, लेकिन हरियाणा के अंदर युवाओं के दिलों में कुछ और धड़क रहा है और हरियाणा के युवाओं ने जींद के अंदर इस बात को सरेआम अपने तरफ से घोषित किया कि हरियाणा का युवा बदलाव चाहता है, हरियाणा जो अब तक परंपरागत राजनीति है उससे मुक्ति चाहता है, हरियाणा भी देश के साथ कदम से कदम मिला करके नए लक्ष्य को पाना चाहता है। और वहाँ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, सत्ता पक्ष के दुरुपयोग और तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ पर आज जींद ने दिखाया कि हम जेजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर ताकत मिले, क्योंकि बहुत तात्कालिक सहयोग था हम लोगों का, और उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर मिल करके हरियाणा के अंदर एक विकल्प देने का निर्णय लिया है। हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस खंड खंड विखंडित है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और जेजेपी का ये आपसी तालमेल और गठबंधन जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी घूम रही है कि वो सारी सीटें जीत रही है, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का युवा उस बदलाव के मुहाने पर इस गठबंधन की मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा। हमने जो निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में जेजेपी 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार जो है घोषित करेगी। कैंडिडेट अभी समय आने पर आप लोगों को दोनों पार्टियों की तरफ से घोषित किए जाएंगे। अभी हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो एक विकल्प तलाश रहा है। मोदी जी के जुमले को भी उसने सुनते हुए पिछली बार पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन हरियाणा के युवाओं का सपना जिस तरह से तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार किसानों के खिलाफ हो चाहे युवाओं के खिलाफ लगातार काम करती रही, इवन अगर आपको याद हो हरियाणा की सरकार ने कोई स्कूल और अस्पताल अपने दिखाने में डर लगता है, ऐसे में हमें भरोसा है कि ये गठबंधन हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत और भविष्य का विकल्प बन करके एक उम्मीद बन करके खड़ा होगा और इस इलेक्शन के अंदर एक नए बदलाव की तरफ बढ़ेगा। मैं एक बार बताना चाहूँगा, जहाँ 7 पे जननायक जनता पार्टी और 3 पर आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, एक चीज़ बड़ी अच्छी, क्योंकि सुबह से आप पत्रकार साथी क्यूरियस थे क्या होगा, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि झाड़ू और चप्पल मिलकर जो बुराइयाँ हैं जो कांटे हैं उनको पार भी करेगी, उसको प्रदेश से बाहर भी करेगी। और ये क्योंकि अरविंद जी को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, ये आम और जन का गठबंधन है, जहाँ आम आदमी पार्टी का आम है वहाँ जननायक जनता पार्टी का जन है। और जब आम जन ये आवाज़ उठाएगा कि प्रदेश के अंदर बदलाव चाहिए, खास तौर पर 56% वोटर आज 45 साल की आयु से नीचे है हरियाणा प्रदेश में, वी आर द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, हमें पूरी उम्मीद है, अरविंद जी भी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और वहीं युवा आज बदलाव चाहते हैं, हम मिलकर
युवाओं को जहाँ ताकत देंगे वहीं एक ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जो पूरे प्रदेश के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भविष्य की राजनीति से जोड़ेगा और प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेगा। जहाँ सीट शेयरिंग की बात है, मैं स्पष्ट कर दूँ कि इसके ऊपर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय होगी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी विद इन 48 to 72 hours जौन सी सीट जिस पार्टी के लिए सूटेबल है उसको तय करे, मगर इस चीज़ पर ज़रूर हमारी चर्चाएँ हुई है कि हम कोई एक एरिया स्पेसिफिक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम दोनों संगठन मिलकर नॉर्थ हरियाणा हो, साउथ हरियाणा हो, सेंट्रल हरियाणा हो, उसको बैलेंस कर एक दूसरी की मदद हो, दोनों संगठन के कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक ऐसा डायनामिक परिवर्तन इस प्रदेश में लेकर आए जो ये आज के दिन हम देखते हैं कि एक फोबिया सा है कि आज बीजेपी आएगी या कांग्रेस कहती है। आज दोनों पार्टीज़ की ये हालात है कि एक से तो अपने एक कैंडिडेट का नाम भी फाइनल नहीं हो रहा और दूसरी इस प्रयास में है कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का तालमेल हो जाए, गिव एंड टेक कर हिसार और रोहतक को एक दूसरे के साथ बांट लिया जाए। उस चीज़ को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा मेन और एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि हरियाणा प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस का हम सुपड़ा साफ करने का काम। ये मुख्य रूप से ये जो गठबंधन है भाई साहब, ये बीजेपी का हरियाणा से खूंटा फाड़ने के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 साल के दौरान जातिवाद के नाम पर दंगे नारे कराए, 100 लोगों को कम से कम गोलियों से मारा। तो बीजेपी का खूंटा कांग्रेस के बस की तो पाड़ना है नहीं, तो ये गठबंधन ने बीजेपी का खूंटा पाड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं। अब वो बीजेपी से ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं हमने नहीं बेरा, लेकिन ये क्लियर कट है कि भाई जो बीजेपी के राज में जो जातिवाद हुआ है और जिस जातिवाद की वजह से पूरे हरियाणा का भाईचारा खाया है बीजेपी ने, तो उसके लिए उसमें गोपाल जी ने, दुष्यंत जी ने जैसे पहले बता दिया, जब जींद का चुनाव था तो इनके तीस मार खा सुरजेवाड़ा लड़े थे वहां से जींद उपचुनाव में, और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था और नई पार्टी जेजेपी बनी थी। तो भाई साहब ये हरियाणा के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के बस की बीजेपी का खूंटा पाड़ना है नहीं, और आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिलकर, मतलब झाड़ू और चप्पल मिलकर बीजेपी का खूंटा पाड़ेंगे और नई सरकार और युवाओं की सरकार जिसकी बात होती है, जिसकी बात असली बात है, तो हमारे तो सारी पार्टी में सारे नए नए हैं, सारे नौजवान हैं, तो एक नई उम्मीद, नया विकल्प, राजनीतिक विकल्प की बात है। 10 साल कांग्रेस देखी लोगों ने, 10 साल कांग्रेस से दुखी हो गए, बीजेपी को मौका दिया था लेकिन बीजेपी वाला ने हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, और वो सत्यानाश कर दिया तो भाई साहब हरियाणा तो बजाना ही, हरियाणा से बीजेपी को भगाने के लिए ये गठबंधन है और नया एक राजनीतिक विकल्प है जो मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, ना कि जाति धर्म क्षेत्र की लड़ाई लड़ेगा।